हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मम्मा फूड कॉर्नर में। आज हम बनाएंगे एक ही मिश्रण से पांच तरह की स्वादिष्ट मिठाई। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और फ्रेंड्स बहुत टेस्टी है। और आप जो देख रहे हैं पूरी प्लेट भर की मिठाई जो है तकरीबन आधा किलो के लगभग होगी, ये सिर्फ 50 से 60 रुपये के अंदर बनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये 50 से 60 रुपये के अंदर बनी है और टेस्टी इतनी है कि आप बाज़ार की मिठाई खाना भूल जाएंगे। और सुंदर तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी सुंदर है। आइए बनाते हैं हम मिठाई। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक भारी तले वाली कढ़ाई ली है और उसमें एक थोड़ा सा बड़ा चम्मच यानी जो टेबल स्पून होता है वो घी डाल दिया है मैंने, एक टेबल स्पून। और एक कटोरी दूध लिया है, कटोरी आप एक ही लीजिए, इसी से हम मिल्क पाउडर भी जो है नाप के डालेंगे। अब इसमें हम करीब 3 छोटा चम्मच यानी कि 3 टी स्पून शक्कर डालेंगे और शक्कर को मेल्ट होने तक के अच्छे से हम इसे फुल फ्लेम पे ही बॉईल कर लेंगे मिल्क को। और हम अब फ्लेम को बिल्कुल लो करके और एक कटोरी अभी मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है, अब हम इसमें करीब आधा कटोरी और ऐड करेंगे और इसे अच्छे से किसी विस्क की सहायता से या चम्मच की सहायता से बढ़िया इसकी गुठलियाँ फोड़ते हुए हम इसे चलाएंगे बढ़िया। ये मैंने आधा कटोरी मिल्क पाउडर और ऐड किया है और अब इसे अच्छे से चलाते हुए हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे बढ़िया नीचे से स्क्रैप करते हुए इसका बढ़िया गाढ़ा मावा बन जाएगा आप देखना। और 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारा एकदम बढ़िया सा जो मिठाई का मिश्रण है या इसे मीठा मावा भी बोल सकते हैं वो बढ़िया रेडी हो जाएगा 2-3 मिनट के अंदर ही। फ्लेम को आप बिल्कुल लो रखें अभी और बढ़िया मैं जैसे आपको बता रही हूँ नीचे चलाते हुए इसे, और बढ़िया हमारा मावा बनाना है हमें। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ये हमारा मावा बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम गैस को ऑफ कर देंगे और ये ठंडा होने पे और भी गाढ़ा हो जाएगा बढ़िया। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल के थोड़ा सा पंखे की हवा में ठंडा कर लेंगे पहले। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा मावा, और घर का शुद्ध है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बाहर का है तो कभी कभी मिलावट भी होती है उसमें और ज़्यादातर होती ही है मिलावट। अब इसमें मैं कलर ऐड करूँगी तो मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून जो मिश्रण है हमारे मावे का वो निकाल लिया है एक कटोरी में, और उसमें 2 छोटा चम्मच नारियल का बुरादा है जो वो डाल लिया है, और ग्रीन कलर मैंने ऐड करा है इसमें। इसकी मैं कलरफुल मिठाई बनाऊँगी, आपके पास जो कलर अवेलेबल हो या आपको जो पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं या बिना कलर के भी आप ये बना सकते हैं। लेकिन कलर मिलाने से क्या है कि बिल्कुल बाज़ार जैसी मिठाई लगेगी और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए हमारा ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से अब मैं चॉकलेट फ्लेवर का एक अलग से तैयार करूँगी, उसके लिए भी मैंने 2 चम्मच बड़ा निकाल लिया था मिश्रण और नारियल का बुरादा मिला के, और यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच कोको पाउडर डाला है और सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप हमें चॉकलेट एसेंस इसमें डालना है। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस ना हो तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अब इसे हम बढ़िया हमारा कोको पाउडर को मिला के, ये देखिए मिश्रण रेडी है। और उसके बाद हम एक सादा मिश्रण थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमें वाइट कलर भी चाहिए होगा, और इन सब मिश्रण को हम फ्रिज में करीब आधा घंटे के लिए रख देंगे जिससे कि ये बढ़िया मिठाई बनाने के लिए तैयार हो जाए हमारा मिश्रण। अब इसको हम एक पॉलीथीन लेंगे अच्छी साफ़ करके उसको, और उस पर हल्का सा शुद्ध घी हम लगाकर, और जो हमारा ये चॉकलेट वाला डो है उसको हम बढ़िया हल्का सा बेल लेंगे, इसे हम थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। और इसी तरह से मैं वाइट डो भी तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा जो है रेक्टेंगल शेप में कर रही हूँ क्योंकि हमें बढ़िया रोल बनाना है इसके, तो इसे हम थोड़ा सा शेप को अच्छे से सही करते हुए बेलेंगे बढ़िया सब दूर से। और अब मैंने यहाँ पे दूसरी पॉलीथीन लेके घी लगा लिया है, और वाइट डो को भी हम इसी तरह से जैसे हमने चॉकलेट वाला डो को बेला है उसको वाइट वाले डो को भी हम बेल लेंगे, और इसको भी बढ़िया रेक्टेंगल शेप में करके और एक बार फिर से बेलन से हल्का सा इसको सेट कर लेंगे ताकि ये सबसे बराबर सब दूर से एकदम सही हो जाए। अब इसको हम बिल्कुल ध्यान से वाइट डो को हमारे चॉकलेट वाले डो के ऊपर फैला देंगे और इसे हाथ की सहायता से अच्छे से सब दूर से हल्के हाथ से टैप करते हुए बिल्कुल और बढ़िया इसको सेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसके भी स्क्वायर कट करके मिठाई के रूप में भी आप इसे ऐसे खा सकते हैं, शेडेड मिठाई ये बहुत बढ़िया दिखेगी। और मैं यहाँ पे रोल बना रही हूँ तो आप पॉलीथीन की मदद से ऐसे हल्के हाथ से धीरे धीरे इसको फोल्ड करके और इसका एक बढ़िया रोल तैयार कर लें, और इसे हल्के हाथ से एक बार ऐसे घुमा लें जैसे मैं बता रही हूँ। देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा डो। अब इसको मैं पॉलीथीन से अच्छे से रैप करके और फ्रीज़र में करीब आधा घंटा रखूँगी जिससे कि हमारे इसके जो है मिठाई के पीस बढ़िया कटेंगे।
अभी जो हमारा वाइट डो था उसका मैंने एक डो लिया है और इसे हल्का सा गोल शेप में मैंने कर लिया है। जिसको बिल्कुल कलर वगैरह पसंद ना हो उसके लिए ये आप ऐसे भी बिल्कुल वाइट बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये मिठाई भी हमारी। और मैं इसी तरह से आपको और कलर में मिला के बताऊँगी कि आप कैसे बना सकते हैं। ये देखिए दो गोले मैंने बना के और इसको हल्के हाथ से बिल्कुल मिक्स करके दो तीन बार सिर्फ गोल घुमाया है। आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन कितनी बढ़िया बनेगी। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हमारी शेडेड मिठाई। इसी तरह से अब मैं इसके ऊपर पिस्ता और बादाम मैंने लगा दिया है दोनों मिठाई पे। और अब मैं यहाँ पे जो हमारा ये ऑरेंज और ग्रीन डो था उसकी भी छोटी लोइयाँ बना ली है दो, और उसे भी इसी तरह से हम हल्के हाथ से बिल्कुल घुमाते हुए इसका भी बढ़िया एक मिठाई जैसे बना लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। आप अपने मन चाहे पसंद के उसको शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे गोल दे रही हूँ और इस पर भी हम थोड़ा सा पिस्ता और बादाम के कतरन से इसे डेकोरेट करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हमारी तीनों तरह की मिठाई। इसे आप अपने मन चाहे डिज़ाइन में बना सकते हैं जैसे भी। और यहाँ पे मैंने रंगीन वर्मीसेली ले ली है और हमारा जो ग्रीन डो था बचा हुआ उसको भी रेक्टेंगल शेप में मैंने बेल के तैयार कर लिया है, और ऑरेंज डो को भी रेक्टेंगल शेप में तैयार करके और इन दोनों को हम एक के ऊपर एक ऐसे रख के और अच्छे से चारों तरफ से इसके कोने सही करके और फिर इसका भी हम बढ़िया सा रोल बनाएंगे पॉलीथीन की मदद से या फिर हाथ से, हल्के हाथ से बिल्कुल इसे रोल करें ध्यान से, इसका शेप ख़राब ना हो। ये देखिए मैं जैसे बता रही हूँ इस तरह से आप करिए। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा जो है मिठाई का रोल। इसको भी हल्के हाथ से हम घुमाएंगे जिससे कि ये बढ़िया पूरा एजेस इसके सील हो जाए। और इसको भी हम पॉलीथीन में पैक करके आधा घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। और ये आधे घंटे बाद में अब आपको बता रही हूँ हमारा डो देखिए कितना अच्छा फॉर्म हो चुका है बिल्कुल। और अब आप इसे अपने मनचाहे शेप और इसमें काट के और सर्व कर सकते हैं बढ़िया। यहाँ पे मैं एक मोटा धागा लेके उससे कट कर रही हूँ क्योंकि इससे एकदम क्लीन निकलेगी हमारी जो है मिठाई। चाकू से कई बार थोड़ा सा शेप ख़राब होने का डर होता है। ये देखिए कितनी बढ़िया और सुंदर दिख रही है, ये बाज़ार की मिठाई भी फेल है इसके आगे। अभी हमारा चॉकलेट वाला डो भी बढ़िया सेट हो चुका है। इसकी भी हम अच्छे से बढ़िया ऐसे ही रोल जैसी मिठाई इसके भी कट कर लेंगे एक एक इंच की करीब। अभी मैं आपको बताऊंगी ये भी कितनी सुंदर लगेगी। आप चाहे तो इसके ऊपर नारियल का बुरादा भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे रंगीन वर्मीसेली थोड़ी सी डालूंगी, ये वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और फ्रेंड्स ये देखिए और 30 से 40 मिनट के अंदर ही हमारी ये सारी मिठाई बनकर रेडी हो जाएगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत ही टेस्टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।